दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में। वॉइस मॉड्यूलेशन जो है एक एक्टर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको अपने इमोशंस को और किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन बोलता हूँ तो आप, मैं दो तीन बार एक लाइन बोलूंगा, आप फर्क देखना, लाइन सेम है, सिर्फ हम अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, सेम लाइन है, सेम वर्ड है, मैंने तीन बार बोला, तीनों बार सिर्फ अपना मैंने वॉइस का मॉड्यूलेशन चेंज किया तो फील बदल गया। पर एज एन एक्टर जो है फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, एक्टिंग जो है वो फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आर्ट है, वो लाइन बोलने की आर्ट नहीं है, वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की आर्ट है। और लाइंस जो है वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मीडियम है। तो मीन्स मॉड्यूलेशन जो है, मॉड्यूलेशन से हम फीलिंग्स को, इमोशंस को, कैरेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और मॉड्यूलेशन, अगर आपका वॉइस मॉड्यूलेशन पे कमांड है, आप अपनी वॉइस को अच्छे से मॉड्यूलेट करते हैं, तो एज एन एक्टर आपकी रेंज बढ़ जाती है, आपके अंदर एक वैरायटी आ जाती है। और वॉइस के ऊपर कमांड होने से एक्टर के लिए बहुत सारे और ऑप्शन भी खुल जाते हैं, जैसे आप डबिंग कर सकते हैं, डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं, डबिंग में भी अच्छा पैसा है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, उसमें भी अच्छा करियर ऑप्शन है, तो प्लस पॉइंट है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। वॉइस मॉड्यूलेशन को समझने से पहले हमें वॉइस को समझना पड़ेगा, हमारा वोकल सिस्टम कैसे काम करता है उसको समझना पड़ेगा। वोकल सिस्टम में इन्वॉल्व है आपके लंग्स, आपका गला, और गले में एक चीज होती है जिसको हम एक आम भाषा में बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स, और उस वॉइस बॉक्स में होती है दो वोकल कॉर्ड्स, और जब हवा उन वोकल कॉर्ड्स के बीच में से पास होती है तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं और उस वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है। और वो साउंड जब हमारे मुंह से निकलती है, मुंह से जब गुजरती है, तो जीभ, होंठ और ये सब मिलके आवाज शब्दों की शक्ल लेते हैं, अक्षर या शब्द या भाषा का रूप लेते हैं। तो अब ये वॉइस की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपकी ये वोकल कॉर्ड्स कितनी ओपन है या कितनी क्लोज है, फिर आपके गले से हवा किस रफ्तार से या किस प्रेशर से वो फेंकी जा रही है, और ये कितना वाइब्रेट करती हैं, इनकी मूवमेंट कितनी है, प्लस कितनी बार वाइब्रेट करती हैं, इन सब चीजों को मिला के आपका वॉइस का जो टेक्सचर है, वॉइस की क्वालिटी है, वो डिसाइड होती है, वो क्वालिटी क्या है वो इनसे बनती है। और ह्यूमन जो ऑडिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी का, वॉइस का, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, उसके कम या उससे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे कान नहीं सुन सकते, कुछ जानवर हैं वो सुनते हैं। और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है वॉइस में बेस उतना ज्यादा लगता है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है वॉइस उतनी पतली होती है। तो आपने देखा होगा कि औरतों की जो है आवाज वो पतली होती है, आदमी की आवाज थोड़ी भारी होती है। रीजन क्या है कि औरतों के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्लोज होते हैं, तो हवा जो है ज्यादा स्पीड से पास होती है और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए वो आवाज जो है पतली होती है। आप आदमी का जो है ये गले का जो ये ओपनिंग ये थोड़ा सा उससे मोटा होता है, तो हवा जो है कम स्पीड से पास होती है, वोकल कॉर्ड्स ज्यादा खुली होती हैं और वाइब्रेशन जो है मूवमेंट ज्यादा होता है बट फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए वो आवाज जो है भारी होती है। तो ये सब चीजों से आवाज बनती है, और इन सब चीजों से आपकी वॉइस का बेस, उसका टेक्स्चर, उसकी लाउडनेस वो डिपेंड करती है इन सब चीजों के ऊपर। तो ये तो हुआ कि वॉइस कैसे बनती है, हमारा वोकल सिस्टम कैसे काम करता है। तो अब वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन जो हम अपनी आवाज की फ्रीक्वेंसी को और उसके एम्पलीट्यूड को और जो गले की जो हवा की जो को प्रेशर को कम ज्यादा करके और वॉइस की क्वालिटी को जब हम चेंज करते हैं और उससे जो वॉइस का टेक्स्चर जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन में कई चीजें काम करती हैं, एक तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स की फ्रीक्वेंसी है वो कम ज्यादा होने से वॉइस की क्वालिटी चेंज होती है, फिर उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना मूव करती हैं उसके मूवमेंट को भी कम ज्यादा करके वॉइस की क्वालिटी चेंज होती है,
आपके लंग्स से किस रफ्तार से या किस प्रेशर के साथ हवा जो है ऊपर फेंकी जा रही है उस पे भी डिपेंड करता है आपकी वॉइस की क्वालिटी। तो इन सब चीजों को कम ज्यादा करके या वेरिएट करके जो वॉइस की क्वालिटी और उसका टेक्सचर जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। तो ये हमने देखा कि वोकल सिस्टम कैसे काम करता है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है। अब जरा हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आपका ये यहाँ पे ये एक चीज है जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, और आपकी वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे। तो आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे जब मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वॉइस की क्वालिटी चेंज होती है। जैसे हम इसको बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, बिल्कुल नीचे ले गए तो आवाज कुछ चेंज होगी। तो हम देखते हैं कि इसको ऊपर से नीचे मूव करने में वॉइस पे कितना फर्क आता है। तो मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, नीचे से फिर एक साउंड निकालना शुरू करूंगा, फिर इसको ऊपर लेके आऊंगा। तो आप देखना वॉइस की क्वालिटी कैसे चेंज। वो इस वॉइस बॉक्स के ऊपर नीचे इतने मूवमेंट के अंदर ही है। जो भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जो मिमिक्री करते हैं, अलग अलग एक्टर्स की आवाज निकालते हैं, वो सिर्फ इस चीज के साथ खेलते हैं। तो अभी आपने देखा कि यहां से यहां तक आने में वॉइस कैसे चेंज होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक लाइन को ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे, यहां से यहां तक उसको लाके एक ही लाइन को हम बोलने की कोशिश करेंगे। तो आप देखना वॉइस कितने कितना टेक्सचर वॉइस का चेंज होता है, आवाज कैसे बदलती है। देखिए, अरे भाई क्या हो रहा है, आप इसको ऊपर लेकर, अरे भाई क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। देखा आपने कैसे चेंज। और मिमिक्री आर्टिस्ट जो है वो यही करते हैं। और क्या होता है कि जब हम किसी एक काम को करने लगते हैं तो हमारी उसमें कमांड हो जाती है। तो मिमिक्री आर्टिस्ट जो है इसी चीज को ऊपर नीचे करके वो ढूंढते हैं, उनका यही काम है भाई। जिस आदमी का जो काम है वो उसी काम में उसको परफेक्शन होती है, और इसी के साथ खेलते हैं और अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहजा। अरे ओ साहब कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। तो अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं ना, तो अलग अलग आवाज निकालना, अलग अलग वेरिएशन करना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और समझ में आएगा। और जब इस तरह का कंट्रोल आपको आपकी वॉइस के ऊपर मिलेगा ना, तो आपके लिए एज एन एक्टर बहुत सारे ऑप्शंस और भी खुल जाते हैं। तो अभी हम जो है बेसिकली हमें देखिए मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बनना है, हम सिर्फ ये जो कर रहे हैं सिर्फ अपनी वॉइस को मॉड्यूलेशन को समझने के लिए कि वॉइस मॉड्यूलेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, और अगर हमें इस चीज का मालूम है तो हमें कितने बेनिफिट हो सकते हैं उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम ना हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ देखेंगे यही चीज़, उनके साथ प्रैक्टिकल करेंगे और फिर उनका एक एक्सपीरियंस हम लेंगे, शेयर करेंगे कि उनको क्या फील होता है इस चीज़ से। हाँ अमित। हाँ सर। अच्छा तुमको पता है क्या करना है। हाँ। चलो स्टार्ट। चलो ठीक है, अभी ना कोई एक लाइन बोल दो अलग अलग मॉड्यूलेशन में। पहले मैं नीचे से स्टार्ट। हाँ नीचे स्टार्ट करो। नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है तुम्हारा। हाँ नवीन। जी सर। तुमको पता है क्या करना है। जी सर। चलो स्टार्ट। चलो ठीक है, ये तो तुम्हारा पूरा वॉइस बॉक्स का मूवमेंट तुमने किया। अब कोई एक लाइन बोल दो, दो तीन बार अलग अलग मॉड्यूलेशन के साथ। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये तुमने अलग अलग मॉड्यूलेशन किया। हाँ जी। तो अभी मुझे जरा अपना एक्सपीरियंस बताओ वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में, क्या समझ में आया, ये कितना इंपॉर्टेंट है। पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं था वॉइस मॉड्यूलेशन क्या चीज होती है एग्जैक्टली। पढ़ा था थोड़ा बहुत, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, और मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं इतनी सारी आवाज़ें अलग अलग वेरिएशन निकाल सकता हूँ। जैसे आपका वॉइस बॉक्स आप सबसे पहले नीचे लेकर जाते हो तब एक हेवी आवाज़ आती है, जैसे अमरीश पुरी की, ओम पुरी की हुआ करती। तो निकाल के दिखाओ कोई आवाज़।
क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये जो आवाज है मुझे पता ही नहीं था कब मैं निकाल पाऊंगा, तो जैसे सर ने वीडियोस दिखाई और बताया कि कैसे चीजें करनी है, तो उसके बाद थोड़ा मैं ट्राई करना शुरू किया एक वीक से, तो अभी काफी सारे वेरिएशन आ रहे हैं, मतलब अलग अलग टोन में अलग अलग लहजे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो देखते वैसे ट्राई करता रहूंगा नया नया कुछ। तो मॉड्यूलेशन कितना इंपॉर्टेंट समझते हो तुम एक्टर के लिए? आई वुड से कि जितना आपका फेस इंपॉर्टेंट है उतना ही वॉइस मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी फेस से बोलोगे आखिर में आपको आवाज से वो चीज ये करना है, एक्सप्रेस करना है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मस्ट है वो। किसी भी एक्टर को अगर वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होगा तो सामने वाले को कन्वे नहीं होगा सीरियसनेस, उसका जो इमोशन वो कहना चाहता है, जो एक्सप्रेस करना चाहता है वो चीज समझेगी नहीं सर। मींस वॉइस के एक्सप्रेशन और जो कैरेक्टर्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये मॉड्यूलेशन जो तुमने किया ये एक्सरसाइज की, तो तुमको क्या समझ में आता है, ये क्या बेनिफिट है एक्टर के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है? सर सबसे पहले तो हमें इतनी हंसी आती है कि हम अपने वॉइस को जो भी मॉड्यूलेशन करते हैं, लेकिन एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वॉइस का, क्योंकि हम कोई भी डायलॉग बोलते हैं तो उसमें बहुत सारा वेरिएशन होता है। जैसे हम कोई आवाज़ भारी में बोलते हैं, अगर हमें बोलना होता है कि भारी आवाज़ में बोलना है, किसी को डांटना है तो हम अरे क्या कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी वॉइस में बहुत ज़्यादा मॉड्यूल। अगर हम किसी को प्यार से समझाना है तो हम बोल सकते हैं कि अरे क्या कर रहे हो छोड़ो ना इसको, और वही फनी साउंड में अगर हम लेके जाते हैं तो आवाज़ को पतला करना पड़ता है, जिसमें हम अपने वॉइस बॉक्स को सबसे ऊपर लेके जाते हैं उसमें अरे यार छोड़ दो इसे क्या कर रहे हो, तो इसमें फर्क आता है। लेकिन एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा डायलॉग्स ऐसे आते हैं जिसके सिचुएशन जिसके कैरेक्टर अलग होते हैं, तो उसमें साउंड को भी मॉड्यूलेट करना पड़ता है। बहुत करना पड़ता है, तो एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मूवमेंट हम करते हैं इससे पता चलता है कि कुछ समझ में आता है मॉड्यूलेशन। जी सर, और बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आवाज में भी बहुत फर्क आता है। चलो थैंक यू। तो ये आपने देखा वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैसे होता है और ये कितना जरूरी है, क्योंकि एज एन एक्टर आपकी रेंज बहुत बढ़ जाती है और फिर आपके लिए डबिंग का, वॉइस ओवर का, ये सब बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं, और डबिंग भी एक अलग करियर है, डबिंग में भी अच्छा मतलब पैसा है, नाम है, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, वॉइस ओवर्स में भी अच्छा है। क्योंकि क्या है, जो लोग मेनली एक्टर बनना चाहते हैं नए लोग, उनको वॉइस एंड स्पीच इसके बारे में आइडिया नहीं होता है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं यार हम अच्छे देखें, हम अच्छे से लाइनें बोलें और बस यही एक्टिंग, उनको वॉइस का, मॉड्यूलेशन का, डिक्शन का, स्पीच का इनका मालूम नहीं होता। तो ठीक है, आप भी ट्राई कीजिए वॉइस को ऐसा मॉड्यूलेट करने की, अपने इस गले के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, अलग अलग आवाज़ों को निकालने की कोशिश कीजिए, देखिए हर बार कुछ नया आपको मिलेगा।